गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आपका इकोनॉमिक्स की क्लास में सभी का स्वागत है। हमारा लेसन है थर्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स का। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उपयोगिता का प्रश्न। उपयोगिता किसे कहते हैं? इंग्लिश में उपयोगिता को बोलते हैं यूटिलिटी। उपयोगिता क्या होती है? किसी वस्तु की वह शक्ति जो हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट करती है उसे उपयोगिता कहते हैं। क्या होती है? किसी वस्तु की वह शक्ति जो हमारी हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट करती। किसी वस्तु की वह शक्ति जो हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट करती है उसे क्या कहते हैं? उपयोगिता। मान लो आपको प्यास लगी है, तो प्यास लगी है तो क्या पियोगे? पानी। क्यों? क्योंकि पानी में वह पावर है, वह शक्ति है जो हमारी प्यास को बुझा सकता है। अगर प्यास लगी है कोई कहीं आपको दूध पी लो तो वो आपकी प्यास नहीं बुझा सकता। अर्थात किसी वस्तु की वह शक्ति जो हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट करती है उसे उपयोगिता कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी इज दैट पावर ऑफ ए कमोडिटी वी सेटिस्फाई आवर नीड। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है उपभोक्ता संतुलन किसे कहते हैं? उपभोक्ता संतुलन किसे कहते हैं? व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? आंसर है हमारा उपभोक्ता संतुलन किसे कहते हैं। हम क्या होता है? उपभोक्ता। उपभोक्ता क्या होता है? जो गुड्स और सर्विसेज को यूज करता है, जो वस्तु और सेवाओं का उपयोग करता है उसे उपभोक्ता कहते हैं। हम सभी क्या है? उपभोक्ता। उपभोक्ता संतुलन में कब होता है? जब वह अपनी वर्तमान परिस्थितियों में कोई भी बदलाव नहीं करना चाहता। उपभोक्ता संतुलन में जब होता है जब वह अपनी वर्तमान परिस्थितियों में वर्तमान स्थिति में कोई भी बदलाव नहीं करना चाहता हो, कोई भी बदलाव नहीं करना चाहता हो। उपभोक्ता संतुलन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? कब होता है उपभोक्ता संतुलन में? जब वह अपनी वर्तमान स्थिति में कोई भी बदलाव नहीं करना चाहता उसे क्या कहते हैं? उपभोक्ता संतुलन। क्या होता है इसमें? क्या देख सकते हैं? जब एक कंज्यूमर अपनी प्रेजेंट लाइफ में कोई भी चीज नहीं करना चाहता उसे क्या कहते हैं? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। उसके बाद है एक क्वेश्चन आता है हमारा बजट रेखा। बजट रेखा किसे कहते हैं? क्या होती है बजट रेखा? बजट लाइन। बजट रेखा वह रेखा होती है जो दो वस्तुओं के दो वस्तुओं के
विभिन्न संयोगों को दर्शाती है, विभिन्न संयोगों को दर्शाती है जिसमें उपभोक्ता की आय आए और वस्तु की कीमत दी गई हो, और वस्तु की कीमत दी गई हो, अर्थात बजट रेखा किसे कहते हैं। बजट रेखा वह रेखा होती है जो दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दर्शाती है जिसमें उपभोक्ता की आय वस्तु की कीमत दी गई हो। बजट लाइन इज डैश लाइन, कौन सी लाइन होती है, टू शो द टू गुड्स कॉम्बिनेशन, डिफरेंट कॉम्बिनेशन गिवन द कंज्यूमर इनकम एंड गुड्स प्राइस। अब ये डायग्राम के द्वारा हम बता सकते हैं, जैसे ये है एक्स ओ वाई, ये जो लाइन है ना ये हमारी बजट लाइन है, गुड्स एक और गुड्स दो। तो क्या होता है, अगर एक कंज्यूमर की आय मान लो 100 रुपये है तो क्या करेगा, उसको दो गुड्स खरीदनी है तो क्या होगा, या तो दोनों इक्वल खरीदेगा, या एक ज्यादा खरीदेगा एक कम खरीदेगा, या वन गुड्स ज्यादा खरीदेगा तो टू गुड्स कम खरीदेगा, टू गुड्स ज्यादा खरीदेगा तो वन गुड्स कम खरीदेगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी यही क्वेश्चन है सेम, बजट रेखा रीजन है क्या होता है, बजट समूह, बजट सेट, सेम है बिल्कुल। बजट रेखा रीजन आया क्या देगा, समूह, बजट समूह वह समूह होता है जो दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दर्शाता है या दर्शाती है जिसमें उपभोक्ता की आय और वस्तु की कीमत दी गई हो। तो यहाँ रेखा की जगह क्या लिख देंगे, लाइन की जगह सेट, बजट सेट इज डेट सेट टू शो द टू डिफरेंट गुड्स कॉम्बिनेशन गिवन द कंज्यूमर इनकम एंड गुड्स प्राइस। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, इसी से है, एक होता है प्रापर, प्रापर संयोग, और एक होता है अप्रापर संयोग। इस इंग्लिश में बोलते हैं इसको अटेंडेबल और नॉन अटेंडेबल कॉम्बिनेशन। प्रापर संयोग क्या होते हैं, प्रापर संयोग वह संयोग होते हैं जिन्हें एक उपभोक्ता अपनी आय के द्वारा प्राप्त कर सकता है, दो वस्तुओं के वे विभिन्न संयोग जिन्हें एक उपभोक्ता अपनी आय के द्वारा प्राप्त कर सकता, अपनी आय के द्वारा प्राप्त कर सकता है। और अप्राप्त क्या होंगे, दो वस्तुओं के वे विभिन्न संयोग जिन्हें उपभोक्ता अपनी आय के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता, अटेंडेबल और नॉन अटेंडेबल। अटेंडेबल क्या होगा, टू गुड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन जिन्हें कंज्यूमर क्या कर सकता, अपनी इनकम के द्वारा प्राप्त कर सकता, गेट कर सकता है। और अप्राप्त क्या होते हैं, टू गुड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन जिन्हें कंज्यूमर अपनी इनकम के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता। फिर सुन लो, प्राप्त जिन्हें प्राप्त कर सकता है और अप्राप्त जिन्हें हम एक कंज्यूमर प्राप्त नहीं कर सकता।